So this is my first motorcycle, right? When I started riding ages ago, this is what was my first ever owned motorcycle. It's a 2007 Electra. When I had to make a choice, even back then, there was nothing but the Bullet that I was going to pick up. And it's been with me for the last 13 years now. I've kept the motorcycle just the way it was without changing too much. There's nothing that's gone on the bike, barring a couple of things that broke down here and there. As you can see, it's a rustic motorcycle. How I'd like to say it is that God himself has customized this motorcycle by all the weather and the rains that's poured onto it. So the seat is something that I had changed some time back because I have this fetish around single seats. When it finally gave way, I said that it needs to change and look new again. The design of the seat had to be something unique. It didn't have to be just a leather seat going on a motorcycle. जिस चमड़े को हम बैग में इस्तेमाल करते हैं वो चमड़ा नहीं है, ये चमड़ा हम अपोस्ट्री के लिए स्पेशल इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं, क्योंकि बैग का चमड़ा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुड़ने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि गाड़ी है वो बाहर रहती है, गाड़ी बारिश का पानी इसके ऊपर जब जज्ब होता है वो बारिश का पानी इसके अंदर सिमट सकता है, जज्ब कर सकता है, तो जब बारिश का पानी जज्ब कर सकता है इसलिए हमने उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग किया है और अलग से उसमें एक वाटरप्रूफ स्वेट भी हमने लगाया है। 9 घंटे तक इस चमड़े को पानी के अंदर आप रख सकते हैं, बारिश के अंदर रख सकते हैं, बारिश का पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, इसकी ये खासियत है। बेहतरीन डिज़ाइन के लिए वो सिलाई हो तो नीचे दब जाए सिलाई के पास, और जहाँ सिलाई नहीं है वहाँ उठा हुआ नज़र आए तो वो खूबसूरत लगता है। इस खूबसूरती के लिए हमने उसमें पॉलोफिल इस्तेमाल किया है। सो व्हाट द सीट एड्स, इट एड्स दैट एलिमेंट ऑफ क्वालिटी ऑन इट बट विदाउट इट पॉपिंग आउट कंप्लीटली फ्रॉम द बाइक। सो व्हेन यू लुक एट द मोटरसाइकिल द सीट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द मोटरसाइकिल स्टैंड आउट फ्रॉम अदर मोटरसाइकिल्स, but it also is not something that I'll not feel at home while being on, you know, at the center stage of the motorcycle. तो कई बारी मतलब एक बार में तो कोई भी सीट तैयार होता नहीं है। इसको तैयार करने के लिए 2-3 प्रोसेस होते हैं। एक तो पहले हम बना करके देखते हैं, फिर उसमें हमें कोई कमियां नज़र आती हैं तो फिर हम उसको खोलते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसको बनाने में हमें लगभग 10 दिन के बराबर समझिए कि लग गया है। सो दिस मोटरसाइकिल हैज अ हिस्ट्री। इट इज द मोटरसाइकिल दैट स्टार्टेड ट्रिप मशीन। एवरी डेंट, एवरी पीस ऑन द मोटरसाइकिल इज एज हाउ इट केम इन। सो व्हेन द बैटरी कवर फेल अपार्ट, आई डिडंट रिप्लेस इट बिकॉज दैट हैज अ हिस्ट्री, दैट हैज अ स्टोरी, यू नो। And when you put in very new parts on a motorcycle, you lose that part of history. So the moment you remove the dent from the tank, you've removed the story from the motorcycle of how that dent first came into place. And it's a motorcycle that's been ridden. It's not been kept inside a garage and kept nicely. It's lived with us.